नमस्कार, खबरें 24 में आपका स्वागत है। मैं ललित लेकर हाजिर हूं आज की ताजातरीन खबरें। लेकिन सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। दस दिन पहले हुई थी बाइक की चोरी, नहीं हो पाई अभी तक एफआईआर दर्ज। एसपी विकास कुमार ने बढ़ते क्राइम को लेकर रखी प्रेस वार्ता। कोबरा टीम के हाथ लगी बड़ी सफलता, 20 लोगों के साथ 20 बाइकें की हिरासत में। भिवाड़ी में लाल महाराज की निकाली गई रथ यात्रा, 10 जून को होगा समापन। अब खबरें विस्तार से। भिवाड़ी में 10 दिन पहले 20 मई को बाइक चोरी होने का मामला सामने आया था, जब बाइक मालिक ने इसकी सूचना करवाने हेतु भिवाड़ी फूलबाग थाना पहुंचा तो तारीख व दिलासे देने के अलावा कुछ ना मिला। पेश एक रिपोर्ट। कुछ दिन पहले भिवाड़ी में दिनांक 20 मई को समय प्रातः 9:30 पर महिंद्र एंड महिंद्रा फाइनेंस सर्विसेज लिमिटेड नीलम चौक भिवाड़ी के पास एक बाइक चोरी हो गई थी। जब मोटरसाइकिल चालक ने घर जाने के लिए मोटरसाइकिल देखी तो वहां से मोटरसाइकिल गायब मिली। जब चोरी की एफआईआर ललित कुमार पुत्र श्री पुरुषोत्तम निवासी 121 जैन मोहल्ला ग्राम कठुमर जिला अलवर ने फूलबाग पुलिस थाने के चक्कर लगाते आज 29/5/2014 हो गई, लेकिन इन जनाब की एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं हुई। क्या कहते हैं भिवाड़ी पुलिस थाना कर्मी, सुनाते हैं बाइक मालिक की मुंहजुबानी। मैं अपनी बाइक चोरी की एफआईआर की एप्लीकेशन देने आया हूँ और लगातार 8 दिन से आ रहा हूँ, दिन में 4 बार। कभी ना कोई बहाना बना के मेरे को डेली भगा दिया जाता है। तो क्या इनकी तरफ से क्या सूचना मिल रहा है आपको? क्या बात ये बोलते हैं अभी वो आएंगे तो तब लिख लेंगे, अभी लंच हो गया है, कभी कुछ हो गया है। तो मैं डेली आता हूँ। आज उन्होंने महेश जी का नाम लिया था तो महेश जी ने मेरे को सोमवार की बोली, आज मैं सोमवार से डेली आ रहा हूँ, लेकिन वो महेश जी का ही पता नहीं। कहाँ से चोरी हुई थी आपकी बाइक? ये बाइक चोरी महिंद्रा एंड महिंद्रा की ऑफिस के नीचे से चोरी हुई। अच्छा। जहां दूसरी ओर एसपी विकास कुमार से चोरी की एफआईआर ना लिखने के मामले में पूछा गया तो सुनिए क्या कहना था। एक छोटी सी समस्या हो रही है सर, अभी बाहर एक फरियादी जिला के जो 8 दिन से एक रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए घूम रहा है, बाइक चोरी की रिपोर्ट बहुत कम दर्ज की जाती है, ये एक आज भी सामने देखने को मिला, उसके क्या कहेंगे? ये पहली बार ये सुनने में आया मैंने कि बाइक चोरी के मुकदमे दर्ज नहीं हो रहे, क्योंकि हम बाइक चोरी के मुकदमे को जल्दी दर्ज करते हैं, इसलिए दर्ज करते हैं कि जब अपराधी पकड़े जाते हैं तो उनका रिकॉर्ड ही बनता है उससे। अगर ऐसा मामला है तो नहीं करेंगे उसमें। अपने अपने कार्यालय में मैं रोज कम से कम 100 अपराधियों से मिलता हूँ, तो बाइक चोरी के परिवार में मुझे नहीं लगता कि आज तक कोई भी आया हो, तो दर्ज करते हैं उसमें। कभी जिले में आप देखेंगे कि बाइक चोरी के दर्ज मुकदमों का ग्राफ भी ज़्यादा है, ऐसी समस्या हमने सुनी नहीं। आप पहली बार आज ये आया है तो उसको भी दर्ज कराएंगे और क्या समस्या है ये चेक करेंगे। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। 27 मई को हुए गोलीकांड को लेकर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, वह एक आरोपी उनमें से फरार है। बढ़ते क्राइम को लेकर एसपी विकास कुमार ने भिवाड़ी फूलबाग थाना में प्रेस वार्ता रखी। मौके पर हुई आरोपी और पुलिस कर्मियों के बीच मुठभेड़ में चलते आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। मुठभेड़ में मौजूद पुलिस कर्मियों की बहादुरी की सराहना की। पेश एक रिपोर्ट। दिनांक 27 मई को समय करीब शाम 6 बजे भिवाड़ी मोड़ पर श्री सरदारा राम के ऑफिस पर फायरिंग की आवाज़ सुनकर पुलिस चौकी भिवाड़ी पर तैनात रामकिशन, राजेश कुमार, धर्मेंद्र ने पीछा कर आरोपी गणों का पीछा किया तो आरोपी गणों ने पुलिस जब्ता पर फायरिंग की गई। फायरिंग के बावजूद भी अपनी जान को जोखिम में डालकर द्वारका दीज जाने वाली सड़क पर आरोपी ब्रजेश पुत्र पतल जाति गुजर निवासी जटवारी थाना शेरगढ़ जिला मथुरा व सुखबीर पुत्र मेघ सिंह गुजर निवासी जटवारी थाना शेरगढ़ को दस्तयाब कर उनके कब्जे से 2 देसी कट्टे व 7 जिंदा कारतूस व काम में ली गई पल्सर मोटरसाइकिल को बरामद किया। शेष आरोपी देवेंद्र जो रात्रि में अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब हो गया, जिसकी तलाश व तफ्तीश जारी है। मुकदमे में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपी यूपी के रहने वाले हैं, जिनसे और वारदातों का खुलासा होने की संभावना है। अभी तक जो ये फायरिंग हुई थी, जो साहस किया गया था उसमें
चौकी के पुलिसकर्मियों ने और राजस्थान पुलिस और पुलिस के जवानों ने जो अदम्य साहस दिखाया, बिना जान की परवाह करते हुए, बिना साधु सामान होते हुए भी प्राइवेट गाड़ी की मदद लेकर जो जैसा था उस हालत में खदेड़ कर इस अदम्य साहस के साथ उन्होंने उनको पकड़ने में कामयाबी हासिल की और जनता का भी सहयोग मिला। ये मैं इसको दो तरीके से देखता हूँ। एक तो पुलिस का जो अदम्य साहस है ये दिखाता है कि पुलिस में क्या दम है, पुलिस का क्या मनोबल है और क्या कर्तव्य पालन के प्रति उनकी अपनी रुचि है वो दिखाता है। और साथ ही इसमें जो जनता का सहयोग मिला वो ये दिखाता है कि लोगों का व्यवस्था के प्रति विश्वास कैसा हुआ है, कि लोग पुलिस के सहयोग के लिए आगे आए और हथियारबंद अपराधियों से मुकाबला किया। तो ये बहुत ही पॉजिटिव सिम्टम है। मैं मानता हूँ इसी तरीके से जनता पुलिस के साथ हाथ उठा हाथ से हाथ मिलाकर अगर अपराधियों का मुकाबला करे तो दिन दूर नहीं जब बिल्कुल अपराध बिल्कुल निर्मूल हो जाएगा। अभी फिलहाल इस मामले में हम लोगों ने चिन्हित कर लिया है कि जो साजिश करता है वो कौन है, कैसे है, उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास जारी है। बहुत जल्दी वो भी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। ये दोनों अपराधी बाहर के रहने वाले हैं और एक तरीके से आप ये मान सकते हैं कि भाड़े के गुंडे हैं जो इस कांड को अंजाम देने आए थे। इनकी गिरफ्तारी हो ही गई है कि क्या क्रिमिनल हिस्ट्री है, किस तरीके से क्या साजिश थी, ये पूरा चेक करेगी पुलिस। जो मुख्य साजिश करता वगैरह है पुलिस के जिला में मानी जा रही है किस तरह से ये आपसी वर्चस्व की लड़ाई जैसा प्रतीत होता है। फिलहाल तो यही प्रतीत होता है कुछ आपसी रंजिश वर्चस्व की लड़ाई को लेकर है। दो तीन तरह की सोच इन्वॉल्व इसमें है वो खुलासा हम लोग पूरा करते हैं। अभी जो तीसरा फरार है वो कब तक है आ जाएगा, उसके पीछे हम लोग टीम लगा रहे हैं। अभी फिलहाल तकनीकी तरीके से मानवीय तरीके से चिन्हित करने की कोशिश हो रही है, जगहों का चिन्हीकरण करना बहुत जल्दी हो पाएगा। इनकी कोई पूछताछ में अभी कोई बड़ी वारदातें या भिवाड़ी में कुछ इस तरह का रहा? अभी फिलहाल तो भिवाड़ी फर्स्ट टाइम ही आना बता रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये भी बहुत सही नहीं बोल रहे हैं। अभी गहराई से पूछताछ करेंगे, मथुरा के रहने वाले हैं वहाँ की पुलिस से भी हमें पूछेंगे इनका क्या आपराधिक पृष्ठभूमि है, क्या वहाँ पर इनकी छवि है, उस आधार पर बहुत कुछ सामने आने की संभावना है। सर एक मेन चीज़ ये भी है कि जितने भी वारदात हुई है वो अवैध हथियारों से हुई है और उसमें बरामद भी किए गए। जैसा आपने चुनावों के टाइम एक अभियान चलाया था उसमें आपने अनेकों अवैध हथियार बरामद किए थे, क्या इस तरह का कोई अभियान अभी भी चल रहा है? आप देखिए जोधपुर में भी 5 हथियार लेकर हम लोग आए, आज भी नसवारी गाँव में पुलिस ने दबिश दी, वहाँ से भी 7 अवैध हथियार निकाले हैं हमने। आज भी एक जो सुपारी किलर का गैंग जो अलवर में पकड़ा गया है, आप लोगों को शायद मालूम होगा, उनके पास से भी हथियार हमने निकाले हैं। इसके अलावा मुझे लगता है इस महीने में 15-20 तो अवैध हथियार के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। लेकिन चिंता की बात यह है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात है जिसको लेकर अवैध हथियारों का कारोबार या अवैध हथियार रखने की प्रवृत्ति जिले में है। अब इस पर मनन करने की मंथन करने की ज़रूरत है, आखिर क्या चीज़ है जिसके चलते लोग अवैध हथियार रखना चाहते हैं, या अवैध हथियार फैशन में आ गया है या सुरक्षा की दृष्टि से रख रहे हैं, आखिर क्या बात है, इस पर स्टडी कर रहे हैं। बॉर्डर एरिया को आप इसमें कितना इन्वॉल्वमेंट मानते हैं बॉर्डर एरिया का? तो बॉर्डर एरिया देखिए पहला केस भी जो आपका था जिसमें विनोद शर्मा वाला मामला है, वो अंतर प्रांतीय गैंग था जो पूरे बॉर्डर एरिया में काम कर रहा था। इस मामले में भी जो अपराधी आए हैं वो मथुरा के रहने वाले हैं, मथुरा हमारा बॉर्डर ही है। तो क्रिमिनल के लिए तो राज्य की सीमा नहीं होती, क्रिमिनल के लिए जिले की सीमा नहीं होती। क्रिमिनल के लिए तो ये होता कि जहाँ कोई मौका दिखा साथ मिलकर क्राइम करते हैं। तो बॉर्डर एरिया होने के चलते अपराधियों की आमद रफ्त, अपराधियों की आपसी गठजोड़ तो है, उससे हम लोग मुकाबला कर रहे हैं। बॉर्डर एरिया जैसे हरियाणा है या यूपी है, इसमें इस तरह इसमें अपने उस पुलिस को क्या सहयोग मिल रहा है? हरियाणा पुलिस या यूपी पुलिस का क्या सहयोग आपको मिल रहा है? यूपी से तो डायरेक्टली हमारा बॉर्डर नहीं लगता, लेकिन कुछ क्रिमिनल्स यूपी से जरूर आते हैं, हरियाणा से हमारा बॉर्डर लगता है। हरियाणा के जो 4-5 जिले हैं जिनसे हमारा बॉर्डर लगता है, आपसे काफ़ी सहयोग है। जब भी हम लोग मुलजिम पकड़ने जा रहे हैं या कुछ बरामदगी के लिए जा रहे हैं उनसे सहयोग मिल रहा है, उनकी टीम हमसे मांगती हम भी देते हैं। अब हम लोग उस लेवल पर ले जाना चाहते हैं कि जो हम लोग ज्वाइंट दबिश दें, बड़े ऑपरेशन करें, उसमें दोनों राज्यों की पुलिस मिलकर, सीमावर्ती जिलों की पुलिस मिलकर कार्रवाई करें। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं, बने रहे हमारे साथ खबरें 24। बिजली, पानी, गंदगी, समस्याएं आपके वार्ड की, आपके घर भी आ सकती है खबरें 24 की टीम, थाने आपकी समस्याएं।
प्रोग्राम भिवाड़ी की आवाज। आप अपनी समस्याओं के लिए हमें कॉल भी कर सकते हैं, हमारा नंबर है 1। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। एसपी विकास कुमार द्वारा नियुक्त की गई कोबरा टीम की सफलताओं के चर्चे हो रहे हैं। ऐसी ही एक वारदात गत रात हुई जिसमें कोबरा टीम ने 20 व्यक्तियों समेत 20 बाइकों को हिरासत में ले लिया। चौपांकी पुलिस व 5 थानों की पुलिस तथा कोबरा टीम द्वारा आज अल सुबह सारे कला गांव की चांदना की ढाणी में मारे गए छापे में पुलिस टीम को 3 देसी कट्टे, 2 बंदूक व 5 जिंदा कारतूस जब्त किए व 20 संदिग्ध बाइकों को भी पुलिस ने पकड़ा। टीम में भिवाड़ी पुलिस, टपुगड़ा पुलिस, तिजारा, कुसकेड़ा, चौपांकी, भिवाड़ी सदर, आरएससी व कोबरा टीम के जवानों ने भी कार्रवाई में भाग लिया। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 20 संदिग्ध लोगों को भी हिरासत में ले लिया है। पुलिस अधीक्षक अलवर विकास कुमार के निर्देशन पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी व डिप्टी एसपी भिवाड़ी भी कार्रवाई में शरीक हुए। बहरहाल पुलिस गिरफ्तार 20 लोगों से पूछताछ कर रही है। अगली खबर भिवाड़ी से। भिवाड़ी में लाल महाराज की रथ यात्रा निकाली गई व अनेकों शहरों में रथ यात्रा निकाली जाएगी। 10 जून को लाल महाराज की रथ यात्रा का समापन भी होगा। भिवाड़ी में निकाली स्वामी श्री लालदास महाराज की रथ यात्रा। ये रथ यात्रा 25 मई को धोली धूप पर्वत से प्रारंभ होकर खैरतल से निकाली गई व कोट कासिम, तिजारा, टपुगड़ा से होती हुई आज भिवाड़ी पहुंची। इससे पहले 10 रथ यात्रा निकाली जा चुकी हैं व 10 जून तक अनेकों शहरों में रथ यात्रा निकाली जाएगी और 10 जून को ही इस यात्रा का समापन भी किया जाएगा। 25 मई को धोली धूप अलवर से प्रारंभ हुई है, खैरतल होते हुए किशनगढ़, कोट कासिम, तिजारा, टपुकड़ा, आज वर्तमान में ये भिवाड़ी है। भिवाड़ी से तिजारा के लिए प्रस्थान करेगी, तिजारा से फिर फिरोजपुर से नहूं। 10वीं यात्रा, 11वीं यात्रा है। तो कितनी तारीख को समापन होगा इसका? 10 जून को इसका समापन होगा। तो 25 से 10 तक जो आप रथ यात्रा निकाल रहे हैं, 11वीं रथ यात्रा, इसका मेन उद्देश्य क्या होगा? मेन उद्देश्य इसका ये है कि जो अपना दोनों समुदाय क्षेत्र में रहते हैं, विशेष तौर मेवा क्षेत्र है अपना अलग अलवर और भरतपुर, इसमें दोनों समुदायों में समन्वय स्थापित करना है इसका। हमारा आश्रम शिव मंदिर आश्रम के गाँव में ये यात्रा लालदास बाबा के अलवर से शुरू हुई है। 25/5/2014 में शुरू हुई और इसका समापन 10 तारीख को। जाने से पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। दस दिन पहले हुई थी बाइक की चोरी, नहीं हो पाई अभी तक एफआईआर दर्ज। एसपी विकास कुमार ने बढ़ते क्राइम को लेकर रखी प्रेस वार्ता। कोबरा टीम के हाथ लगी बड़ी सफलता, 20 लोगों के साथ 20 बाइकें की हिरासत में। भिवाड़ी में लाल महाराज की निकाली गई रथ यात्रा, 10 जून को होगा समापन। आज समाचारों में इतना ही। मेरे साथ खबरें 24 की टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।